सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छा हूँ। सो गाइस, बेसिकली अगर आप हमारे रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आप सभी को पता होगा कि फिलहाल में अभी हम लोगों ने बी फार्मा थर्ड ईयर के सिक्स सेमेस्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें कि अभी हम लोगों ने मेडिसिनल केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यानी लॉन्ग प्लस शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस किया है। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं कि लॉन्ग प्लस शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज आपको प्रोवाइड करेंगे सारे ही सब्जेक्ट की, ठीक है? और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है तो इसके हम आप लोगों को सॉल्यूशन भी कराएंगे, ठीक है? सॉल्यूशन प्लस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज रहेगी उसके ये जो भी पीडीएफ है, नोट्स हैं, हम अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर देंगे टाइम टू टाइम, ठीक है? जैसे कि आज मैं ये वीडियो पढ़ा रहा हूँ तो इसके बाद जो इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज होगी वो हम तुरंत ही अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर देंगे, ठीक है? तो आप जाके वहाँ से पीडीएफ फॉर्म में इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो जाके ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रहा हूँ, तो आप जाके वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है? इजिली वॉच आउट कर सकते हैं। अभी फिलहाल में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें कि आज हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस देखेंगे और नेक्स्ट डे हमारे आपके जो वीडियो रहेगा वो सॉल्व का रहेगा, ठीक है? यानी आज हम लोग लॉन्ग को डिस्कस करेंगे और कल यही सब्जेक्ट के हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है? अब बेसिकली आपको जानना ये इम्पॉर्टेंट है कि आपको हमारे सब्जेक्ट के लॉन्ग प्लस शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज को क्यों पढ़ के जाना चाहिए अपने एग्जाम को देने के लिए। ओके, सो बेसिकली क्या है कि हम PCI के सिलेबस को फॉलो करते हैं, यानी जो यूनिवर्सिटी PCI के सिलेबस को फॉलो करती हैं। ओके, सो हम लोग क्या करते हैं, हमारी टीम क्या करती है स्टडी फार्मेसी की, सबसे पहले हम लोग PCI के सिलेबस को एनालाइज करते हैं और वो सारी ही यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हम लोग वॉच आउट करते हैं और देखते हैं और उनसे ही हम लोग क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं जो बहुत बार पूछे गए होते हैं, ठीक है? इसलिए सारी ही यूनिवर्सिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो कि PCI के सिलेबस को जो यूनिवर्सिटी फॉलो करती हैं उन सारी यूनिवर्सिटी के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। बस बात आती है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि एक ATU में जो लॉन्ग क्वेश्चंस होता है वो 10 मार्क्स का होता है, अदर यूनिवर्सिटी में ये 15 मार्क्स का भी होता है। एक ATU में शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, अदर यूनिवर्सिटी में ये 3 मार्क्स का भी होता है। तो क्या है कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा चेंज होता है लेकिन क्वेश्चंस और जो भी कंटेंट रहेगा सेम रहेगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारी जो यूनिट फर्स्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बायोटेक्नोलॉजी से, यानी फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी से लॉन्ग क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज डिफाइंड बायोटेक्नोलॉजी, ओके, राइट इट्स एप्लीकेशन इन फील्ड ऑफ फार्मेसी। मीन्स आप देखिए कई सब, वैसे तो मैं बोलूँ बहुत इंपॉर्टेंट ATU पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी ये 7 मार्क्स में कई बार पूछा गया है, अदर यूनिवर्सिटी में तो कई बार ही पूछा गया है, ठीक है? और बेसिकली आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी है क्या, उसके एप्लीकेशन क्या है हमारी फार्मेसी फील्ड में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है सारी ही यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है? दैट इज एक्सप्लेन इंजाइम इमोबिलाइजेशन, इट्स एप्लीकेशन एंड मेथड। मीन्स आपको सबसे पहले इंजाइम इमोबिलाइजेशन के बारे में बताना है, उसके मेथड के बारे में बताना है और उसके एप्लीकेशन के बारे में भी आपको बताना है। ओके, इसमें ये हमने और करके क्वेश्चन एक और दिया है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, दैट्स वाई आई एम गिविंग यू दिस क्वेश्चन। ओके, दैट इज डिफाइन बायोसेंसर, राइट इट्स वर्किंग एंड प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन। मीन्स आपको बायोसेंसर बताना है, ठीक है? इसकी वर्किंग को आपको समझाना है, इसके प्रिंसिपल को बताना और इसके एप्लीकेशन को बताना है। ये सारे हम डिस्कस करेंगे, ओके, जैसे ही हमारी सीरीज सारी कंप्लीट हो जाती है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो थर्ड, इट इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रोटीन इंजीनियरिंग। ओके, बेसिकली आपका 10 मार्क्स में भी पूछा आता है और 7 मार्क्स में भी आता है, तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए। ओके, देन द नेक्स्ट वन इज राइट अ मेथड प्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ एमाइलेज, ओके, कैटालेज एंड पेनिसिलिनेज एंजाइम।
ये सारे एंजाइम हैं, इसके आपको बेसिकली मेथड, प्रोडक्शन और एप्लीकेशन बताने हैं। अपने आप में अगर ये तीनों पूछे जाते हैं तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है, अगर दो भी पूछे जाते हैं तब भी ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है, अगर एक डायरेक्टली पूछ लिया जाता है जैसे कि बेसिकली जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आपका एमाइलेज, इसके बाद आपका कैटालेज एंजाइम और उसके बाद आपका पेनिसिलिन एंजाइम है। सो मीन्स सबसे ज़्यादा आपको अच्छे, वैसे तो सारे ही पढ़ने हैं लेकिन सबसे अच्छे से आप एमाइलेज को जरूर देख के जाइए, इसको बिल्कुल भी आपको छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हमारी क्वेश्चन की बात करते हैं, दिस वन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग इज ऑल्सो नोन एज RDNA टेक्नोलॉजी। सो इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राइट डिटेल नोट ऑन, या सॉरी राइट अ डिटेल नोट ऑन जेनेटिक इंजीनियरिंग या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन RDNA टेक्नोलॉजी। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग बोला जाए या RDNA टेक्नोलॉजी, बात एक ही है, ओके? अब बात कर लेते हैं अपनी सेकेंड यूनिट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो आपकी जो सेकेंड यूनिट है उसका जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ही बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है और इसको आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना बिलोंग करते हो। दैट इज राइट अ डिटेल नोट ऑन RDNA टेक्नोलॉजी, ठीक है, दैट इज ऑल्सो नोन एज जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। इसके आपको मेथड डिस्कस करने हैं, एप्लीकेशन डिस्कस करने हैं, सारी चीज़ों को आपको डिस्कस करना है, ठीक है। और आपको बताना है कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है इसके एप्लीकेशन क्या है आपकी मेडिसिन में, ओके? इसमें एक और में क्वेश्चन और दे रखा है हमने, दिस वन, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द प्रोडक्शन ऑफ हिपेटाइटिस बी वैक्सीन, इंटरफेरॉन, हार्मोन इंसुलिन बाई RDNA टेक्नोलॉजी। मीन्स RDNA टेक्नोलॉजी का यूज करके आप कैसे प्रोडक्शन कर सकते हैं हिपेटाइटिस बी वैक्सीन का, इंटरफेरॉन का और आपका हार्मोन इंसुलिन का। बेसिकली आपके हार्मोन इंसुलिन का क्या काम होता है आप सभी को पता होगा, डायबिटिक जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं उनके लिए, यानी जो कैसी डायबिटीज होती है, इंसुलिन डिपेंडेंट, उसमें इसका यूज होता है बेसिकली। एंड इसमें जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यानी सेकेंड वाला जो बनता है ये, ओके, ये बेसिकली बहुत तो इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन हाँ फिर भी पूछ लिया था, 2 मार्क्स और 7 मार्क्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ओके। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन PCR, ओके। देन नेक्स्ट वन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्लोनिंग वेक्टर एंड DNA लाइपेज, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर 2 मार्क्स और 7 मार्क्स, ये आपको 2 मार्क्स और 7 मार्क्स में पूछा आता है। इसमें डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि डिफाइन क्लोनिंग वेक्टर्स, ये 2 मार्क्स का बन जाएगा, या डिफाइन DNA लाइपेज, इसको भी ऐसे करके 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं अपनी थर्ड यूनिट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। सो इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट वन, एक्सप्लेन हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी इट प्रोडक्शन प्योरिफिकेशन एंड एप्लीकेशन। तो इसमें आपको हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी को बताना है, इसके प्रोडक्शन को बताना है, प्योरिफिकेशन कैसे करते हैं वो बताना, और इसके एप्लीकेशन बताने हैं। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर दिस यूनिट, दैट इज डिफाइन इम्यूनिटी एंड राइट इट टाइप इन डिटेल एंड राइट अ नोट ऑन सेलुलर इम्यूनिटी एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी। बेसिकली अगर इस तरीके से पूरा क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये आपका 10 मार्क्स का एक सुपर क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन अगर इसी क्वेश्चंस को आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं इस तरीके से कि डिफाइन सेलुलर इम्यूनिटी, तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा, या पूछ सकते हैं कि डिफाइन ह्यूमरल इम्यूनिटी, तब भी ये जाके 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन जा सकता है, या फिर वो डायरेक्टली पूछ लेंगे कि डिफाइन इम्यूनिटी की इम्यूनिटी क्या होती है और उसके एग्जाम्पल बता दीजिए कि कौन कौन सी इम्यूनिटी, मतलब सॉरी इम्यूनिटी पूछ लेंगे आपसे, ठीक है, और सेलुलर इम्यूनिटी क्या होती है, इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है।
या अगर इन दोनों को साथ में दे देते हैं कि डिफाइन सेलुलर इम्यूनिटी एंड ह्यूमन इम्यूनिटी, तो ये आपका 7 मार्क्स क्वेश्चन बन जाता है एक ड्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट इसमें जो आपका क्वेश्चन है, तो ये आपका क्वेश्चन बनता है जो कि है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इम्यूनिटी स्टिमुलेशन एंड इम्यूनिटी सप्रेशन। ठीक है, ये भी देखो उसी तरीके से है, इम्यूनिटी का क्वेश्चन जरूर आएगा, तो उसको इस टॉपिक को आपको छोड़ के नहीं जाना है। ये क्वेश्चन भी इसी तरीके से है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको इम्यूनिटी वाले बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाने हैं, इससे जरूर आता है, लॉन्ग में आता है। अब नेक्स्ट की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, दिस वन, गिव ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ MHC, ओके, MHC में के बारे में आपको बताना है। देन द नेक्स्ट दिस वन, सॉरी स्टूडेंट्स, ओके दिस वन मींस डिस्कस अबाउट वेरियस ब्लड प्रोडक्ट एंड प्लाज्मा सब्स्टिट्यूट्स, ये डिफाइन करना आपको। इसमें जो आपका लास्ट क्वेश्चन बनता है 5th वाला, दैट इज डिस्कस स्टोरेज कंडीशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ एनी 2 ऑफिशियल वैक्सीन, आपको 2 ऑफिशियल वैक्सीन की स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन को डिफाइन करना है, बताना है, डिस्कस करना है। अब अपनी बात कर लेते हैं 4th यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन बनता है बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट अ डिटेल नोट ऑन इम्यून ब्लोटिंग टेक्निक्स, जिसमें कि आपकी एलिसा टेक्निक आ जाती है, ठीक है, साउदर्न ब्लोटिंग टेक्निक आ जाती है, वेस्टर्न ब्लोटिंग टेक्निक आ जाती है, इसमें ये वाली आपकी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आपका जो सेकंड क्वेश्चन बन जाता है वो बनता है व्हाट आर म्यूटे, रुकने एक मिनट, इसको हम थोड़ा सा अंडरलाइन करके पढ़ते हैं इस तरीके, चूंकि इंपॉर्टेंट है, क्या है, What are mutant type and explain the factor causing mutation? आपको mutant बताने हैं, mutant mutation से ही है, ठीक है, उसके टाइप बताने हैं और फैक्टर बताने हैं जो म्यूटेशन में क्या करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, देन इसमें आपका क्वेश्चन बनता है डिस्क्राइब माइक्रोबियल बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपका यहाँ पे आप ओ जरूर लगा लेना, मैं नोट्स में लगा दूंगा, BIO है, ठीक है, देन ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ पे ओ हम गलती से स्किप कर गए हैं, लेकिन आप ओ लगा लीजिएगा। ठीक है, तो डिस्क्राइब माइक्रोबियल बायो ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। देन थर्ड वन इज डिस्कस जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, थोड़ा सा जल्दी पढ़ाना पड़ेगा, वीडियो लेंथी हो रहा है, ठीक है, हम लोग सारी चीज़ों को बाद में डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। अब देखते हैं अपनी यूनिट 5th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज एक्सप्लेन फर्मेंटेशन एंड इट्स जनरल रिक्वायरमेंट, गिव अ डिटेल नोट ऑन लार्ज स्केल फर्मेंटेशन, सो दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर दिस यूनिट। ओके, देन आपका ये क्वेश्चन बनता है, ओके, दैट इज डिस्क्राइब्स द प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन ग्रिस्को फ्लुविन एंड सिट्रिक एसिड बाय फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी विथ आर नीट लेवल डायग्राम और फ्लो चार्ट। ठीक है, बेसिकली इसमें आपका पेनिसिलिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बताना है, इसके प्रोडक्शन को बताना है। ठीक है, उसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट है वो है ग्रिस्को लोलफिन, ठीक है, ग्रिस्को लोलफिन, ठीक है, देन आपका सिट्रिक एसिड है। ओके, अब इसमें आपका लास्ट क्वेश्चन जो बचता है, दैट इज डिस्कस अबाउट द जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ फर्मेंटेशन एंड राइट अबाउट द वेरियस कंट्रोल पैरामीटर फॉर लार्ज स्केल फर्मेंटेशन डिजाइन, दिस इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका 10 मार्क्स में या 7 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, सो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ऐसे वीडियो देखने तक हमारे चैनल तक बने रहिए, और मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको प्रॉपर अपडेट मिलती रहे, नोट्स मिलते रहे। ठीक है, और अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है मेड कैम का, ठीक है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो मैं उसकी भी आपको
प्लेलिस्ट सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके, बाय बाय।